asalaamu As alaikum uh, hi guys i am back with uh, another exciting video in this video i will show you how to design roof so keep uh, supporting me subscribe my channel and press the bell icon and uh, like share and comment my video so thank you सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में ये जो हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में मैंने लास्ट वीडियो में आ, हैंड रेल रेलिंग ये मैंने इसमें ऐड करा था स्टेयर हैंड रेल एंड रेलिंग मैंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में ऐड करी थी ये देखें मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ ये वाली हैंड रेल जो है मैंने इसमें ऐड करी थी लास्ट वीडियो में जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकता है सो so, हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर रूफ़ ऐड करना है रूफ़ को हमने कैसे डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम आ जाते हैं पहले टू आर पे आ जाएंगे हम टू आर पे मैं आ जाता हूँ रूफ़ लेवल पे दैन ये जो ग्रिड्स और रेफरेंस प्लेन हैं मैं इनको हाइड कर देता हूँ हाइड इन अ व्यू कैटिगरी में मैं इसको कर देता हूँ ताकि ये हमारा प्रोजेक्ट ठीक से हमें नज़र आए देन उसके बाद हमने इस एरिया पे ये देखें इस एरिया पे रूफ़ लगाना है बट पूरे एरिया पे नहीं लगाना मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इस एरिया पे देन यहाँ तक हमने रूफ़ लगाना है सही है और ये जो एरिया है ये जो मेरा माउस जहाँ पर सर्कल बना रहा है इस एरिया में हमने टावर अगली वीडियो में मैं आपको बनाना बताऊँगा कैसे बनाते हैं सो so, सबसे पहले हम क्या करते हैं रूफ़ आ जाते हैं रूफ़ बाय फुटप्रिंट ये, ये वाला ले लेते हैं फर्स्ट वाला रूफ बाय फुटप्रिंट देन उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ रूफ की टाइप के हमने कौन सी टाइप जो है वो करनी है यहाँ पर एड तो ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं कोल्ड रूफ कंक्रीट सही है देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ अच्छा स्लोप जो है वो हमने यहाँ पर स्लोप रूफ नहीं करना इसको हम अनचेक कर देते हैं ओवर हैंग भी नहीं करना है बट हमने यहाँ पर ये यह देखें इसको आ, कोर तक ऐड करना है इसके कोर तक अच्छा इसको चेक कर देते हैं देन हम इसकी वॉल पे जैसे हम आते हैं अपना एरो लेके तो यहाँ पर ये यह देखें ये हमें बोल रहा है कि यहाँ पर आप इसको ऐड करें रूफ़ को तो हमने क्या करना है इस वॉल पे मैं आता हूँ इसको वापस चेक कर देते मैंने बैक करा था तो मैं इस वॉल पे आता हूँ टैप प्रेस करता हूँ तो ये ओवरऑल सबको ये देखा ओवरऑल सारी वॉल्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेता है दैन में क्लिक करता हूँ तो ये न, इसने सब पे जो है ये देखें पिंक लाइन जो है वो सेंटर में कोर पे जो है वो पिंक लाइन लगा दी है अच्छा अब हमने यहाँ तक जो है वो सिर्फ रूफ़ लेना है इसके आगे नहीं लेना है क्योंकि इसके आगे हमें टावर बनाना है रूफ़ नहीं चाहिए हमें मैं एक लाइन की कमांड लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ लाइन से तो यहाँ से देखें इधर से मैंने इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से इस जगह से मैं इसको क्लिक करता हूँ ठीक है थाउजेंड मिलीमीटर का एरिया जो ये हमारा बाहर निकला है यहाँ तक इसको एक लाइन ले लेता है देन ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये हमें नहीं चाहिए ये वाली तो इसको ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कर देता हूँ मैं सही यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कमांड ले, ले लेता है और यहाँ से इस पर देन यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी और ये जो ये वाली जो लाइन गई है इसको डिलीट कर देंगे ठीक है ये करना लाजमी वरना जो ये एरिया है इस पे भी रूफ हमारा क्रिएट हो जाएगा अभी हमारा जो सिर्फ एरिया जो रूफ क्रिएट होगा वो इस एरिया पे होगा जहाँ पर हमारी पिंक लाइन जो है वो आ गई है दैन जो ये स्टेयर एंड लिफ्ट वाला जो एरिया है इधर भी हमें रूफ़ नहीं चाहिए ये हमें ओपन छोड़ना है तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल लेकर यहाँ पे पूरा स्टेयर की जो वॉल है आउटसाइड से इसको एक रेक्टेंगल लगा देते हैं तो ये देखें ये हमारे पास ये भी रूफ़ नहीं आएगा फिनिश एडिट मूड करते हैं तो ये एक ऑप्शन आपको देगा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हमने यहाँ से इसको रीड करके यस कर देंगे यहाँ से यस कर दिया तो ये देखें हमारा रूफ यहाँ पर ऐड हो गया है बट प्लम्बिंग एरिया कुछ गलती कर दी हमने प्लम्बिंग जो एरिया है इनको भी हमने यहाँ पर सर रेक्टेंगल लेके इनको भी हम हमें यहाँ पर भी रूफ़ नहीं चाहिए रेक्टेंगल लेता हूँ मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी एक रेक्टेंगल लगा देते हैं बिकॉज हमें यहाँ पर जो है वो रूफ़ प्लंबिंग uh, एरिया में यहाँ पर पाइप्स वगैरह की जो सेटिंग होगी यहाँ पे पाइप्स हमारे आएंगे यहाँ पर भी हमें रूफ़ नहीं चाहिए फिनिश एडिट मोड तो ये देखें ये भी हमारा वाइट हो गया बाकी जो ब्लू एरिया है ये सारा रूफ़ हमारा लग गया है ये देखें ये जो ब्लू एरिया है ये जितना भी ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये सारा रूफ़ है हमारा ठीक है तो ये देखें स्टेयर केस वाले पे रूफ़ नहीं लगा है और प्लम्बिंग एरिया पे हमारा रूफ़ नहीं लगा है और टावर वाले हिस्से में ये देखा ये वाले हिस्से में भी रूफ़ हमने ऐड नहीं करा है क्योंकि हमने आगे जाके इस पर टावर ऐड करना है टावर मेन इंट्रेंस के ऊपर टावर ऐड करेंगे इस वजह से तो ये हमारा रूफ़ तैयार हो गया है और ये हमारी स्टेयर केस देखें रूफ लेवल तक हमारी आ रही है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेयर केस जो है हमारी रूफ़ तक आ गई है जो हमने डिज़ाइन करी थी वो अब शो हो रही है हमें तो इसको यहाँ से ये देखें ये रूफ़ हमारा ऐसे क्रिएट हो जाएगा जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आप कोई गलती कर देंगे तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है स्टेयर केस का एरिया हमने छोड़ना है लिफ्ट का एरिया हमने छोड़ना है वहाँ पर हमें रूफ़ नहीं चाहिए और प्लम्बिंग का एरिया जो दो प्लम्बिंग के एरिया वो छोड़ना है और ये टावर ये टावर का एरिया भी हमने छोड़ना है तो इन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि टावर हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है कुछ अच्छा सा टावर हमने डिज़ाइन करना है सो थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन